आपके लिए टेक बन रहा है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और बहुत ज़्यादा पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे हमारी डेली टेक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। और वही मैं बात करूँ तो कल की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो पूछो मत, आज भी बहुत सारी टेक बंडा निकल के सामने आए। तो पहली वीडियो में बात करूँ तो टिकटॉक, ट्विटर एंड व्हाट्सअप की तरफ से जारी। तो मैं आपको बता दूँ इनके तरफ से फिर से केस जारी हुआ है। तो मतलब किसके लिए केस जारी हुआ, तो मैं आपको बता दूँ टिकटॉक के तो पहले भी हुआ था, व्हाट्सअप पे भी आपको देखने को मिला था इससे पहले केस, लेकिन ट्विटर को भी अब देखने को मिला। तो मैं बता दूँ टिकटॉक, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, तो इन तीनों प्लेटफॉर्मों पर वापस केस दर्ज किया गया। केस दर्ज क्यों किया गया, मैं आपको बता दूँ एंटी नेशनल कंटेंट्स दिखाने के लिए। तो आप सोच सकते हो तो वापस अब क्या कहते हैं व्हाट्सअप और ये सब, तो देखते हैं आखिर। सैमसंग की तरफ सारी, तो आपको पता होगा जो सैमसंग गैलेक्सी S20 लाइट, ये आपको पहले एक वॉरेंटेड में देखने को मिलता था, 8 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, ये बात तो आपको सबको पता ही होगी। तो वही अगर मैं बात करूँ तो अभी एक और नई वॉरेंटी लॉन्च कर दी है सैमसंग ने, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट की। तो मैं आपको बता दूँ कौन सी वॉरेंटी, 8 GB रैम एंड 512 वाली GB, तो मतलब ये आपको देखने को मिलेगी 1 मार्च से रिटेल स्टोर ऑफ सैमसंग के सब जगह आपको ये देखने को मिल जाएगी। और वही अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्राइस रखेगी इनने 45,000 रुपीज़। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो 1 मार्च से आप इस वॉरेंटेड को खरीद पाओगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी A71 5G स्मार्टफोन, ये भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा, लेकिन ये लॉन्च हो चुका है आपको A71 पहले ही, लेकिन अभी ये 5G वारंटी में लिस्ट होकर सामने आया। गीगाबीच पे भी लिस्ट हुआ था पहले, आपको पता है बहुत सारी साइटों पे अभी लिस्ट हो रहा है। तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A71 5G स्मार्टफोन आपको 5G में देखने को मिल सकता है। नहीं, अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी M31, तो ये आपको पता ही होगा ऑनलाइन देखने मिलता है, और हाल ही में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M31। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो ऐसे न्यूज़ सामने आई जो सैमसंग गैलेक्सी M31 है ये आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलेगा। ऑफलाइन मार्केट को आपको कब देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूँ ये आपको 6 मार्च से ऑफलाइन मार्केटों में देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो सैमसंग गैलेक्सी A11 ये स्मार्टफोन भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा A सीरीज़ का। तो इसके कुछ ट्रेंड सामने आए, 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी पंचोल, और वहीं बात करूँ पीछे आपको ट्रिपल रियल कैमरा देखने को मिलेगा, 13 का मेन कैमरा आपको देखने। तो ऐसे कुछ न्यूज़ सामने आई, तो देखेंगे आखिरकार ये सैमसंग की। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो अगली टेक न्यूज़ की, तो शाइमिंग की तरफ से निकल के रही। तो आखिरकार शाइमिंग का जो रेडमी नोट 9 प्रो, आपको पता ही है स्मार्टफोन शाइमिंग लॉन्च करने वाले रियलमी 6 प्रो स्मार्टफोन को जैसे टक्कर देने के लिए। तो वही मैं बात करूँ जो शाइमिंग का रेडमी नोट 9 प्रो स्मार्टफोन है, इसमें आपको 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, ये कन्फर्म है आपको पता ही है। और वही मैं बात करूँ तो इस स्मार्टफोन में भी ये कन्फर्म हो चुका है, जो चार्जर आपको देने वाला 22.5 वाला आपको फ्लैश चार्जिंग देखने को मिलेगा ऐसे कंपनी के लिए, तो इस स्मार्टफोन में आपको ये देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो MI 10 सीरीज़ का ये आपको देखने को मिला था, वही आपको पता ही होगा, लेकिन इसके सामने MI 10 का आपको ट्रांसमिट एडिशन भी देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे आखिरकार ये न्यूज़ है, तो क्या आप एक्साइटेड हो नोट 9 प्रो के लिए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो अगली टेक न्यूज़ की, तो रियलमी की तरफ से निकल कर रही। तो आपको पता है वो रियलमी अपने स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, 5 मार्च को रियलमी ब्रांड लॉन्च करेगा, लेकिन जो रियलमी ब्रांड लॉन्च हो गया आपको इसमें 3 कलर देखने को मिलेंगे, ग्रीन, येलो एंड ब्लैक कलर में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे रियलमी ब्रांड में। और वहीं मैं बात करूँ तो रियलमी 6 एंड रियलमी 6 प्रो ये भी स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे 5 मार्च को। तो वहीं अगर मैं बात करूँ तो इन स्मार्टफोनों की प्राइस की बात नहीं करने वाला, प्राइस की बात करेंगे, और वहीं बात करूँ तो स्पेक, तो मैंने कल की टेक्निक्स में आपको बताया था, तो इसकी प्राइस की मैं बात कर लूँ तो प्राइस लीक होकर सामने आई रियलमी 6 एंड रियलमी 6 प्रो की। तो वहीं बात करूँ तो रियलमी 6 इसकी प्राइस आपको स्टार्टिंग प्राइस 999 रुपये आपको देखने को मिलेगी ऐसे कंपनी के लिए, तो सोचो तो 9999 रुपये इसकी स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलेगी। और रियलमी 6 प्रो इस स्मार्टफोन की अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है 4 GB रैम एंड 64 GB इंटरनल स्टोरेज, इसकी प्राइस आपको 13999 रुपये देखने को मिलेगी। तो ये कुछ प्राइस है जो लीक होकर निकल के आई, अगर ऐसे प्राइस पर लॉन्च होता है तो आपको पता है बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगी रियलमी 6 सीरीज़ के। अगली टेक्निक्स की मैं बात करूँ तो हवाई की तरफ से निकल के आ रही, अब पता नहीं रियल है सच है, तो हवाई मैं बात करूँ तो न्यूज़ से पता चला है कि हवाई अपने इंडिया में टैबलेट लॉन्च करने वाला है M सीरीज़ का। तो आप सोच सकते हो M सीरीज़ का आपको टैबलेट देखने को मिलेगा हवाई का। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये सैमसंग एप्पल जैसी कंपनियों को कॉम्पिटिशन में मतलब देखने को मिलेगा आपको, तो हवाई का भी एक बजट में आप बोल सकते हो अगर देखने को मिल सकता है हवाई M सीरीज़ का टैबलेट। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में ही आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसी न्यूज़ सामने। और वहीं बात करूँ तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं जो चाइना में लॉन्च करने वाला है हवाई, और पता नहीं इंडिया में लॉन्च होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरे को लगता है इंडिया में कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आखिरकार जो अंबानी उनसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे आपको पता है इंडिया में, तो उनने पूछा कि क्या आप 4G पे अटकने वाले हैं या 5G पे भी जाओगे, तो आखिरकार अंबानी ने तो कह दिया कि जियो वो लोग 5G लाएंगे।
तो आखिरकार उन्होंने तो कह दिया कि, लेकिन उन्होंने ऐसा भी किया कि जो चाइनीज़ है सिंगल चाइनीज़ कंपाउंड वो लोग यूज़ नहीं करने वाले, तो आप सोच सकते हो। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो चाइनीज़ कंपनियों ने भी पार्टिसिपेट किया, 5G ने हवाई हो गया, हवाई ने भी 5G पर, ZTE ने भी पार्टिसिपेट किया 5G पर। तो देखेंगे आखिरकार जियो ने तो कह दिया कि वो 5G लाने वाले हैं, तो आप सोच सकते हो आखिरकार ये कंफर्म है। और कंपनियों का पता नहीं, लेकिन जियो तो करने वाला है, नेटवर्क लाने वाला है। आज के टेक्निक से हमें खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज के टेक्निक आपको पसंद है। पसंद है वीडियो को लाइक कर दी, पसंद है डिसलाइक कर दी, कोई बैन डिसलाइक करो आप मर्जी। और बहुत ज़्यादा पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी डेली टेक्निक्स आपको देखने मिलेगी। और कल की वीडियो मिलेगी आई बटन पर एंड स्क्रीन पर, आप देखते हो। और मेरे को जो फटाफट फॉलो कर लीजिए टिकटॉक, ट्विटर एंड यूट्यूब चैनल, इन दोनों जगह पर फॉलो कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। कीप स्माइल एंड कीप सपोर्ट।